त्वरित नहीं देते, परिदंड नहीं है। ये सरलता के कारण है कि लोग अपने पैसों का उपयोग सोने में करके सिक्योरिटी को एश्योरेंस के लिए जमे आगे जाते हैं। शेयर मार्केट में पहले लोग पैसे डालते थे, शेयर मार्केट का क्या होता है, भरोसा ही नहीं है। कब शेयर मार्केट कब कितना गिरेगा, कितना नीचे जाएगा, कभी रुपया पहले गिरेगा कि शेयर मार्केट नीचे गिरेगा, इसी का टेंशन रहता है उसको। तो उसको लगता है उसमें रिस्क लेना नहीं है, सोने में डाल दो, आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत है, और कुछ नहीं जाएगा तो कम तो नहीं होगा, उसको भरोसा है कि रुपया कम, उसकी कीमत कम नहीं होगी। इन कारणों से हिंदुस्तान का आम आदमी, और अनेक आर्थिक विषय ऐसे हैं जिसके कारण सोना खरीदने के लिए प्रेरित होता है, और इसके लिए भारत सरकार ने हिंदुस्तान के आम आदमी को, सामान्य मानवी को भरोसा देना पड़ेगा, तब जाकर के उन स्थितियों से उभार ला सकता है। हम आज हम कहें हिंदुस्तान की सरकार के पास कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है क्या? एक्सपोर्ट हो उनकी इच्छा है, एक्सपोर्ट बढ़े उनकी इच्छा है, सब सरकार की रहती है। मेरा सुझाव है कि अब हम दिल्ली सरकार के भरोसे अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। मैं तो सभी राज्य सरकारों से प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी स्टेट की बनाइए, स्टेट योजना बनाए कि भाई हमारे राज्य में ये 10 चीजें अच्छी हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए हर एक की मदद से ताकत आएगी, और भारत सरकार जो राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है, जो राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के अंदर अपनी जगह बनाता है, उसको स्पेशल इंसेंटिव ग्रांट देगा। अगर ये भारत सरकार करती है तो राज्यों को भी लगेगा, फिर तुरंत उसको लगेगा, अच्छा भाई ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है, हमारा तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट कम है, चलिए हम इंस्टीट्यूशंस चालू करें, ज्वेलरी की डिजाइन करने वाले इंस्टीट्यूट खड़ी करें, ज्वेलरी बनाने वाले इंस्टीट्यूशन खड़ी करें, उस प्रकार के मशीन्स की चिंता करें, और हम मास प्रोडक्ट ज्वेलरी करके दुनिया का रिसर्च करके किस देश में किस प्रकार की ज्वेलरी चाहिए, इसका हम गाइडेंस देने के लिए पूरा ब्रिज बनाएंगे। हम सरकार की तरफ से अगर इन चीजों को करते हैं तो अपने आप का फायदा होगा। आप मुझे बताइए, कभी कभी हैरानी होती है, हमारे देश में हम लोग घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर भी इंपोर्ट करते हैं, इतना बड़ा देश, टिम्बर भी हम बाहर से लाते हैं, टिम्बर के लिए जंगलों को काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रो फॉरेस्ट्री पर बल दें, तो खेतों को डिवाइड करने वाले में जो जमीन खराब होती है, हमने देखा उनका खेत, अपने गांव के खेत देखे हमने, कि एक खेत खेडूत हो दूसरा किसान हो, दो जमीन जहां डिवाइड होती तो बीच में बहुत बड़ी जगह वो डिमार्केशन के लिए खराब करते हैं। अगर हम टिम्बर के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बल दें और किसानों को कहें कि भाई ये आपको 20 साल के बाद 25 साल के बाद ये पेड़ बेचने का अधिकार मिलेगा।